नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पोस्टमास्टर की मनमानी से आम नागरिक परेशान, पोस्ट ऑफिस डाक लेने पहुंचा। युवक तो खनिया थाना पोस्टमास्टर बोले, शाम को 5 बजे के बाद पोस्ट ऑफिस बंद होने के बाद बाहर मिल लेना, फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मीडिया के पहुँचने पर मीडिया से भी की पोस्टमास्टर ने बदतमीजी। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी के खनिया थाना के पोस्ट ऑफिस से है, जहां आए दिन पोस्टमास्टर की मनमानी से आम जनता परेशान हो रही है। ग्राहकों के प्रति पोस्टमास्टर का बात करने का रवैया ठीक नहीं है और ग्राहकों से बदतमीजी से पेश आते हैं। ताजा मामला, हाल ही में एक ग्राहक महावीर जैन की एक डाक पोस्ट ऑफिस में आई थी और पोस्ट ऑफिस से फोन पहुंचा कि तुम्हारी डाक आई है, पोस्ट ऑफिस से ले जाओ, जिसके बाद डाक लेने के लिए उक्त युवक करीब 8 दिन से बराबर चक्कर काट रहा है। जब आज महावीर जैन फिर से पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो पोस्ट मास्टर से डाक देने की बात कही, तो पोस्ट मास्टर ने इधर उधर ढूंढने के बाद डाक नहीं मिलने की बात कही, जिसके बाद जब महावीर जैन ने विरोध किया और कहा कि मेरी डाक जब बहुत दिन पहले आई है और आपके द्वारा फोन लगाकर बुलाया गया, उस दिन से आज करीब 8 दिन हो चुके हैं पर मुझे डाक नहीं मिली, आखिर डाक कहां गई, और पोस्टमास्टर ने उक्त युवक से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जब महावीर जैन ने मीडिया को बुलाया तो मीडिया कर्मियों ने पोस्टमास्टर से बात की तो मीडिया कर्मियों से भी पोस्टमास्टर ने बदतमीजी की, और पोस्टमास्टर कृष्ण गोपाल बाथम मीडिया कर्मियों से और उक्त युवक महावीर जैन से बोले कि शाम 5 बजे पोस्ट ऑफिस की शटर बंद होने के बाद बाहर मिल लेना, फिर बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इस बात से पोस्टमास्टर की गुंडियाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं कृष्ण गोपाल बाथम पोस्टमास्टर और महावीर जैन पोस्ट ऑफिस ग्राहक खनियांधाना ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। सर, आपका नाम क्या है? कृष्ण गोपाल बाथम। आप किस पोस्ट पे हैं पोस्ट ऑफिस में? एसपीएम उधर। तो आप यहाँ पे जो सरकार ने आपको जॉब पे रखा है, किस लिए रखा है? काम करने के लिए रखा, जनता के काम निपटाने के लिए। हाँ। और ये अभी भरत शर्मा जो यहाँ पे अवेलेबल था, वो बंदा वो कौन था? भरत शर्मा उनके पिताजी है, तो पिताजी मोहनलाल शर्मा है, वो मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए उनकी जगह काम करता है। तो किसी को अधिकार है, अगर शासकीय जॉब में कोई हो और उसकी फैमिली को अधिकार है कि वो यहाँ आके उनकी काम कर सकता है? अधिकार हो या ना हो, वो एक सांत्वना के तौर पर उन्हें काम के लिए रखा। नहीं, ये कानूनी तौर पर कहाँ तक सत्य है? नहीं तो ये आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात कीजिए, क्योंकि उनके पिताजी का हो गया था एक्सीडेंट और मानसिक रूप से विकृत है। एक बंदा है करीब 15 दिन से एक अपनी डाक के लिए दर दर भटक रहा है, वो क्या पूरा मामला है इस बारे में? तो डाक का आपके पास नंबर हो तब समझ में आएगा सर। ये तो आपके पास क्या डाक आई नहीं है वहाँ से? बिना स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के नंबर के अपन कुछ नहीं कर सकते, नंबर उपलब्ध कराएगा अपन। तो नाम से भी तो ट्रेस हो जाता है, नाम से जैसे आपका सिस्टम है, आप नाम से भी ट्रेस कर सकते हैं? उसमें नाम से सर्च करने का कोई वो नहीं अपने पास, अगर आप नंबर से तो मैं सिस्टम में। तो जैसे नंबर नहीं है तो फिर वो जो डाक आई है वो मिलेगी नहीं? नहीं, अपन देखेंगे कैसे, कौन सी तारीख में आई, कौन सी तारीख में नहीं आई, ये कैसे पता करेंगे? अगर आप तो यही कह रहे हैं ना कि फला फला व्यक्ति के नाम डाक आई, तो उसका एक डाक का नंबर चाहिए अपन को, तभी अपन पता कर रहे हैं। नाम है? मेरा नाम महावीर जैन है। ये आपकी अभी पोस्ट ऑफिस में बहुत ज्यादा बहस हो रही थी, क्या पूरा मामला है? क्या है महोदय, मेरा श्री विद्यापूर्ण इलेक्ट्रिकल्स के नाम से फर्म है, जिसका एटीएम कार्ड और चेकबुक ये पोस्ट ऑफिस में आया है, तो उन्होंने क्या करा कि मेरे को कॉल करा कि आप पोस्ट ऑफिस आ जाएं। आपको आपको कॉल कब किया था? ये हो गया कभी करीब 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 करी हो गए 6-7 दिन, तो इन्होंने कॉल करा तो मैंने कहा कि ठीक है आप मेरे घर पर भेज दीजिए, तो बोले मैं हमने एड्रेस नहीं देखा, तो मैंने कहा मैं आके कलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने फिर बोला कि आप टिकट नंबर लाओ, कुंजी लाओ, वो लाओ। जब थोड़ी बहस होने लगी तो वो कोई बात हम करके अधिकारी है तो बोले 5 बजे के बाद मिलना, मैं तेरे को देख लूंगा। कहाँ मिलना? बाहर बाहर, शटर बंद हो जाए पोस्ट ऑफिस की, फिर मिल लेना, मैं तेरे को देख लूंगा। ये कौन सी बात हुई? नहीं साहब, मेरे को मेरी पासबुक, वो चेकबुक और एटीएम कार्ड चाहिए। तो भाई टिकट नंबर लाओ, फलाना ढकाना, क्या पता क्या का टिकट नंबर मांग रहे, कहाँ से टिकट नंबर आता है। अब जब इनके पास पोस्ट आई है तो फिर मेरी पोस्ट दे नहीं रहे और क्या नाम से दुनिया की बहस कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। धमकियां भी दे रहे हैं? हाँ। अभी क्या बोल दिया आपको?
नहीं दी है, डांक नहीं दी है, क्या नाम से, जब डांक नहीं दी तो फिर मैंने आप लोगों को सूचित किया, तो बहस हो ही रही थी, आप लोगों ने देख ही लिया, सुन ही लिया, और अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके इसके अभी दो दिन पहले मेरी माता श्री का ATM कार्ड आया था, उसके लिए बोले कि वहां से कलेक्ट कर लो, मैंने फिर उनसे बोला कि वो क्या नाम से घर पे भेज दें, तो बोले कि वो हम नहीं आएंगे देने, मैंने आपको लेना हो तो ले जाओ, नहीं तो हम वापस भेज देंगे, ये धमकी देते हैं। और किस प्रकार की धमकी दे रहे हैं? बोल रहे थे कि क्या नाम से शटर पटक देंगे, बाहर मिल जाना और ऑफिस के बाहर मिल जाना, फिर देख लेंगे। अब क्या पता मारने की धमकी दे रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है, पता नहीं, ये कोई बिहेवियर गलत था पूरी तरह। हाँ, इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, और अगर ये कस्टमरों को ऐसा परेशान करेंगे तो कहाँ जाएगा कस्टमर।